हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसा फेस पैक बताऊंगी जो आपके फेस को हाइड्रेट कर देगा। गाइस, इसके लिए लिया है मैंने हाफ खीरा। खीरा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और मैंने लिया है हाफ नींबू। इसके बाद लिया है मैंने रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। गाइस, अब हम खीरे को अच्छे से काट के गाइस हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। गर्मी शुरू हो चुकी है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे फेस पे, तो इसके लिए हमें खीरा खाना भी चाहिए और खीरा लगाना भी चाहिए। इससे हमारे फेस को ठंडक मिलेगी और हाइड्रेट भी करेगा, जो कि बहुत ही कम दिखता है, और टैनिंग भी रिमूव करेगा। ये हमारा ये वन टाइम में ही आपको रिजल्ट दे देगा। गाइज, अब मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है गाइस। अब हम इसे अब अलग बाउल में निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने निकाला है 3 टेबलस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिए गाइस, मुझे नेक तक लगाना था इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून निकाल लिया है। अब हम इसे साइड में कर देंगे। खीरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस इन समर टाइम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो हमें इसे अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर डालूंगी। इसके बेनिफिट तो आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छा है फॉर ऑयली स्किन। मेरी भी ऑयली स्किन है, तो हम इसमें अच्छे से अब 1 टेबलस्पून मिला लेंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ हाफ नींबू। गाइस, मैं 4 ड्रॉप डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना भी आपको सूट करता है। मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैंने 4 ड्रॉप्स डाली हैं गाइस। ओके, अब हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देन हम अपने हाथ पे आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कितना अच्छा पेस्ट बना है गाइस, देख सकते हैं आप। गाइस, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है गाइस स्किन के लिए। अब हम इसे आपके हाथों पे अप्लाई करके दिखाएंगे। मैंने इसे 1 टाइम में ही लगाया था, अब इसे 2 टाइम भी कोटिंग कर सकते हैं आप। वीक में इसे 2 या 3 टाइम पर लगा सकते हैं गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। देखिए, मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए गाइस। देन हम इसे 20 मिनट के लिए रहने देंगे, अच्छे से सूख जाएगा गाइस। फिर हम इसे वॉश आउट कर देंगे। देख सकते हैं सूख गया है, अब हम इसे धो लेंगे। अब देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छा इफेक्ट आया हैगा, 1 टाइम में ही आपकी हाइड्रेट कर देगा स्किन को, स्किन को ठंडक पहुंचाएगा, टैनिंग रिमूव करेगा, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं बना के, ये आप बिल्कुल भी आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए गाइस।